स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम आईएसएस सुदाम डी। दिस इज माय फिफ्थ वीडियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7। इन दिस वीडियो वी हैव अ क्वेश्चन, सो द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज एपीसी, मीनिंग ऑफ एपीसी एंड द मीनिंग ऑफ एपीएस। यहाँ पे हम लोग एपीसी और एपीएस में रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन दिखाने से पहले हम लोग को बिल्कुल डिफाइन करना पड़ेगा कि एपीसी क्या है और एपीएस क्या है। एपीसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी रिफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मतलब एपीसी नॉर्मली जो है इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का रिलेशन दिखाता है। एपीसी का फॉर्मूला है कंजप्शन बाय इनकम, कंजप्शन बाय इनकम। तो कंजप्शन एंड इनकम, मान लीजिए आपका इनकम 100 है, आप 70 रुपये खर्च कर देते हैं, तो ये आपका कंजप्शन और इनकम का डेफिनेशन हो गया। 70 आपका कंजप्शन है और 100 आपका इनकम है, तो डेफिनेटली जो एपीसी आएगा वो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इसको। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक्स है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। जब हम कंजप्शन और इनकम का रिलेशन दिखाएंगे तो वो एपीसी कहलाता है, जब हम सेविंग और इनकम का रिलेशन दिखाते हैं तो वो एपीएस कहलाता है। एपीएस का जो फॉर्मूला है वो सेविंग बाय इनकम है, ठीक है। और एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई हो गया, एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई हो गया। पहले हम लोग दोनों को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। और एपीएस का फॉर्मूला आप देख सकते हैं एस बाई वाई है। आप 100 में से अगर 70 खर्च कर दिए तो 30 बचेगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इनकम है, 0.3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया बात। अब हम लोग इसको रिलेशन दिखाते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो एपीसी का जो फॉर्मूला है वो है सी बाई वाई और एपीएस का जो फॉर्मूला है वो है एस बाई वाई। तो वाई का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस एस, मतलब कि कंजप्शन प्लस सेविंग। आपका इनकम या फिर कंजप्शन करते हो या फिर सेविंग करते हो या फिर खर्च करते हो या फिर बचाते हो। मान लो 70 रुपये खर्च किए और 30 रुपये बचा लिए तो 100 रुपये आपका इनकम है, ठीक है। लेट मान के लिए कि 100 रुपये आपका इनकम है, 100 इनकम कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार एपीसी और एपीएस इक्वल टू सी बाई वाई एस बाई वाई। एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई हो गया और एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई हो गया। तो सी और एस को जोड़ेंगे तो वाई निकलता है। ऊपर में मैंने डिफिनेशन दिया है कि वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो जिस तरह से यहाँ पे सी और वाई को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो ये निकलेगा, ठीक है, ये आपका इनकम ही निकलेगा। और नीचे एलसीएम वाई वाई का भी वाई ही आएगा। अब जब काट दोगे दोनों को तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एपीसी और एपीएस इक्वल टू 1 होता है। ये एक नया फॉर्मूला मेरे पास आ गया, ठीक है। और अगर हमको एपीसी निकालना है तो हम 1 माइनस एपीएस कर देंगे और एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी कर लेंगे। मतलब एपीसी का एक और फॉर्मूला हो गया और एपीएस का भी एक और फॉर्मूला हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का है वो इसी प्रकार का है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एपीएस, मार्जिनल प्रोफिटेबिलिटी टू कंज्यूम एमपीसी एंड द मीनिंग। द एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इनकम। वहाँ पे क्या था, इनकम टू कंजप्शन टू इनकम रिलेशन था, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इनकम है, मतलब चेंजेस क्या आ रहा है, इनकम में क्या चेंज हो रहा है या कंजप्शन में क्या चेंज हो रहा है, उसको ये लेता है। अब उसको हमेशा वो डेल्टा से इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप डेल्टा देख सकते हैं, डेल्टा सी डेल्टा वाई। आपका जो कंजप्शन, मान लेते हैं कि डेल्टा जो कंजप्शन है 70 है और इनकम जो है 100 है, डेफिनेटली ये कितना आएगा, 0.7 ही आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप 80 रुपीज़ खर्च करते हैं तो 80 बाई 100 ये 0.8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एमपीसी भी एपीसी का जैसा होता है और डेल्टा मतलब चेंज इन कंजप्शन, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम होता है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है एमपीएस। जिस प्रकार से एमपीसी होता है चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम का रिलेशन, उसी तरह एमपीएस जो होता है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम का रिलेशन होता है। तो एमपीएस का जो फॉर्मूला है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। एमपीएस का जो हमारा फॉर्मूला है वो है डेल्टा सी एस बाय डेल्टा वाई की, मतलब कि आपका एस मान लेते हैं कि 30 रुपये आप बचाए हैं 100 रुपये में से, तो आपका 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे समझ सकते हैं कि 0.3 हो गया और ये आपका 0.7 वहाँ पे हो गया था। तो रिलेशन क्या निकलता है, रिलेशन ये निकलता है कि एमपीसी इक्वल टू एमपीएस इक्वल टू 1 आने वाला है। और ये कैसे आने वाला है ये हम प्रूव करते हैं, बिल्कुल प्रूव करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एमपीसी का फॉर्मूला लिख दिया, एमपीएस का फॉर्मूला लिख दिए। एमपीसी फॉर्मूला सी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। और सी का फॉर्मूला, एस वाई का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस
उसी प्रकार से अगर वाई का फॉर्मूला सी प्लस एस होता है तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा एस। डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, क्योंकि वाई का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस, मतलब आपका इनकम या फिर आप खर्च करते हो या बचाते हो। उसी प्रकार कंजप्शन इन चेंज भी इसी प्रकार हो जाएगा, अगर ये ऐसा है तो ये भी ऐसा हो जाता है। तो ये फॉर्मूला तैयार है हमारा, और इस फॉर्मूला को हम और भी डिटेल से दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ एमपीसी का फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस, जिसको मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, इक्वल टू वन कैसे होता है। तो एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी डेल्टा वाई, एमपीएस का डेल्टा एस डेल्टा वाई इक्वल टू वन। अब डेल्टा सी डेल्टा एस इक्वल टू, हमको तो पता है डेल्टा वाई आता है, और नीचे भी डेल्टा डेल्टा वाई है, तो वो भी कॉमन आ जाएगा, और जब ये दोनों डेल्टा वाई को काटेंगे तो एक आ जाएगा, मतलब एम पी सी इक्वल टू एम पी एस इक्वल टू वन होता है। तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है, और यही रिलेशन है आपका ए पी एम पी सी और एम पी एस में, ठीक ना। उसी प्रकार से हम लोग ये हमारा जो रिलेशन है वो वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक रिलेशन जो है, मैं ए पी सी और ए पी एस का भी दिखा देता हूँ, कि ए पी सी का और ए पी एस का फॉर्मूला देख लीजिए, सी वाई वाई और यहाँ पे एस बाई वाई। वाई में आप इनकम से कंजम्पशन कितना किए वो ए पी सी हो गया, इनकम में से सेविंग कितना किए वो ए पी एस हो गया, ठीक है। तो सी और एस को जोड़ के वाई ही आता है, और वाई नीचे कॉमन है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर वन आएगा, मतलब ए पी सी को टू ए पी सी को टू वन आता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू ए पी सी एंड ए पी एस। थैंक यू, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। टोटल 5-6 वीडियो इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। सो केयरफुली राइट द ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड द लर्न द फॉर्मूला एंड राइट। थैंक यू।